तो हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की ये ब्लॉग घर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्कूल की बच्चों की ट्रिप का टाइम भी हो चुका है, तो निकलते हैं ऑटो लेकर। आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हम स्कूल के बच्चों की ट्रिप के लिए आ चुके हैं घर से। अभी देख सकते हैं एक बैग रखा है बच्चों का, और जो ये गाड़ी कच्ची दिखाई दे रही है दोस्तों, अभी अभी गाड़ी को भी धोकर लाया हूँ मैं घर से। सुबह सुबह नल खुला था तो जो मोटर का पाइप होता उससे ही गाड़ी को धोया हूँ आज सुबह सुबह, देख सकते हैं आप। तो आप दोस्तों इसको कभी भी प्रेशर से ना धोएं, जो सर्विसिंग वगैरह करते हैं हम वहाँ उस तरह इसको, जो कन्वर्टर आता है मोटर आता है उस जगह पर पानी का प्रेशर, हाई प्रेशर से कभी भी ना धोएं इस ऑटो को। इलेक्ट्रिक ऑटो को आप नॉर्मल प्रेशर से धो सकते हैं, जो घर की मोटर होती है स्लोली इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ पर प्रेशर से आपको पानी नहीं मारना चाहिए, वरना कन्वर्टर में या मोटर के अंदर जाने का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो प्रेशर का यूज़ ना करें, नॉर्मली धो सकते हैं आप, ज़्यादा प्रेशर से नहीं धोना चाहिए ऑटो को। तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो का बहुत ही संभाल के करना होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी स्कूल की ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। अभी सुबह जो हमारी स्कूल की ट्रिप होती है अभी अभी वो पूरी हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं। ये देखिए हमारा सुबह सुबह जो रोड का व्यू है दोस्तों, ये देख सकते हैं गुलबर्गा का कुछ इस तरह से है। ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं दोस्तों सुबह सुबह, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्यू है आज रोड का। ये देखिए दोस्तों एक चर्च है यहाँ पर। थोड़ा नाश्ता वगैरह कर फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे। आप भी देख सकते हैं आप, ये कुछ रोड का नज़ारा इस तरह से है दोस्तों। आज देखते हैं आज कारोबार कितना होता है, सारा दिन जो भी आज दिन भर की कमाई होती है वो आपसे शेयर करूँगा कि हम ऑटो में कितना कमाते हैं क्या। तो दोस्तों ये हमने एक अवलकी का नाश्ता ऑर्डर किया है, आप देख सकते हैं। सुबह का नाश्ता कभी कभी बाहर ही होता है दोस्तों, क्योंकि जो बच्चों की स्कूल की ट्रिप है वो जल्दी होती है, तो कभी कभी नाश्ता सुबह का बाहर ही होता है। तो हमने ऑर्डर किया है ये एक अवलकी, इसको पोहा भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो अभी नाश्ता करते हैं दोस्तों। और एक जो ये इसको पट बोलते हैं दोस्तों, वो एक ऑर्डर किया था हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको पट बोला जाता है, और उड़पांगे भी बोलते हैं दोस्तों इसको। तो यही है सुबह का नाश्ता, आप भी नाश्ता कीजिए दोस्तों। नाश्ता वगैरह हो चुका है, अभी निकलते हैं ऑटो चलाने के लिए। चलिए निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। ये देखिए ये सुबह सुबह का व्यू कुछ इस तरह से है। अभी एक सर्कल पर खड़े हैं हम। तो दोस्तों आज बने रहिए, आज मैं जो ऑटो की कमाई होती है हमारी, जो इनकम होती है वो दिखाऊंगा आपको कि हम रोज़ ऑटो चलाकर कितना कमाते हैं क्या नहीं। दोस्तों ऑटो में कमाई जो होती है वो फिक्स नहीं होती, कभी कम ज़्यादा होते रहता है। आप देखिए कुछ सुबह का नज़ारा इस तरह से है दोस्तों। और अभी अभी हमने एक सवारी लेकर कुछ आए थे एक जगह पर, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। ये देखिए दोस्तों ये रिंग रोड पर हैं अभी हम। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, ऑटो का बिजनेस ऐसा है कि कभी ज़्यादा कभी कम कारोबार होता रहता है, एडजस्ट कर चलाना पड़ता है दोस्तों हमको। कभी कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 इस तरह से कारोबार होता है किसी किसी दिन। तो कारोबार का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, हमारे हाथ में तो होता नहीं है। तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा ऑटो का बिज़नेस किस तरह से है। तो अगर आप भी अगर इलेक्ट्रिक ऑटो या कोई भी ऑटो लेकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप एक बात याद रखिए कि ऑटो में जो भी बिज़नेस हम करते हैं दोस्तों, उसकी कमाई फिक्स नहीं होती। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि 1000-1500 भी मिलते हैं, कभी कभी 500-400 से भी खुश रहना पड़ता है। के बच्चों की जो ट्रिप होती वो भी पूरी हो चुकी है, अभी हम दूसरे काम पे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, बैटरी वगैरह डाले हैं हम ऑटो में लोड।
कुछ इस तरह से डेली रोटेशन रहता है दोस्तों मेरा। देखिए देख सकते हैं आप, ये सोलर के इन्वर्टर और बैटरी है। ये देखिए दोस्तों, ये UTL कंपनी का इन्वर्टर है और जो बैटरी भी है वो भी UTL कंपनी की है। ये सोलार के हैं दोनों। तो एक कस्टमर को ये देना है दोस्तों, इंस्टॉलेशन भी करना है, बाद में करेंगे इसको, तो पहले इसको पहुंचाना है। अभी फ़िलहाल हम पहुंचा देते हैं, ये गांव जाने वाला है इसको ट्रांसपोर्ट में जो हमको पहुँचाना है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गुलबर्ग का किला आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है, बहुत ही पुराना किला है दोस्तों। देखिए कुछ नज़ारा इस तरह से आप देख सकते हैं, ऊपर एक तोप दिखाई दे रही है आपको, कुछ इस तरह से है दोस्तों। देखिए ये थोड़ा सा गिरा था शायद, अभी अभी बनाया गया है, जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, थोड़ा सा वर्क हुआ है दोस्तों। देखिए नज़ारा कुछ इस तरह से है, काफ़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत आप देख सकते हैं। तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ का किला है दोस्तों। ये देखिए उसके ऊपर ये जो दिखाई दे रही लंबी सी वो तोप है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों वो ट्रिप जो ख़त्म हो चुकी है, जो बैटरी वगैरह थी वो हमने पहुँचा दिया। अभी ये देखिए जो कलर के बॉक्स होते हैं, ब्रश वगैरह, कार्टून, ये भी एक हमारे फ्रेंड की शॉप है, तो यहाँ से भी हमको डिलीवर देना है। तो इसका भी जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट में देना होता है दोस्तों हमको। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा गुलबर्गा रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरह से नज़ारा रात के समय। जो कार्टून वगैरह पहुंचाना था दोस्तों वो पहुंचा कर आ चुके हैं अभी हम। ये देखिए दोस्तों, अभी हम घर को जा रहे थे तो आपको सोचा दिखा दूँ, रात में कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कोई भी नहीं है दोस्तों सिवाय मेरे ऑटो के, देख सकते हैं आप। तो रात तकरीबन 9-10 बज चुके हैं, तो अभी हम घर को चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से है। तो आज का कारोबार भी कितना हुआ है मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। ये आप देख सकते हैं ऐप पे इलेक्ट्रिक ऑटो का शोरूम, अभी क्लोज हो चुका है दोस्तों। अभी से यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, 150, 250, 350, 450, 550 और ये 20 दोस्तों, 770 रुपये का जो है आज सुबह से लेकर शाम तक जो कारोबार बोल सकते हैं या बिजनेस ऑटो का, ये मेरे है। तो दोस्तों आज के जो दिन भर की कमाई हुई है दोस्तों वो 770 रुपये है, इसी में सब हमारे ऑटो का EMI वगैरह सब देना होता है, और जो स्कूल के महीने की ट्रिप होती हैं वो अलग हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो से आपको कुछ अंदाज़ा या आइडिया लग गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।